Hello everyone and welcome again to our channel. So Venice से finally हम आ चुके हैं our next destination which is Rome. लेकिन Rome के बारे में बताने से पहले हम आपको ले चलेंगे एक और country जो Rome के अंदर ही है, दुनिया की सबसे छोटी country जो है Vatican City, जो एक real country है, उसका real passport है, real flag है, वो एक monarchy है जो Pope के अंडर आती है और जहाँ पे करीब 850 लोग रहते हैं और वो जस्ट हाफ स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया जितनी बड़ी है. सो लिटरली आप वॉक करके पूरी वेटिकन सिटी घूम सकते हैं. वेटिकन सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है वो है वेटिकन म्यूजियम एंड सिस्टीन चैपल, जो बहुत ही फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए, जो कोई नॉर्मल वॉल पे बनाई हुई पेंटिंग नहीं बल्कि सीलिंग्स पे बनाई हुई पेंटिंग्स है. माइकल एंजेलो जैसे बड़े आर्टिस्ट ने ये सब पेंटिंग्स बनाई है और बहुत सी पेंटिंग्स जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल की स्टोरीज है, प्रॉफिट्स है, उनके ऊपर बेस्ड है. एंड बहुत सी जगह पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नेशनल हेरिटेज जैसा है. और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेस फॉर क्रिश्चियंस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सिक्योरिटी वगैरह भी मिलेंगे, बट इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आपको हिस्ट्री और आर्ट में इंटरेस्ट है. सिस्टीन चैपल, वेटिकन म्यूजियम और ये सारी चीज़ें प्री बुक करना कंपलसरी है बहुत सारे सिनारियो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होती है. तो अगर प्री बुक नहीं होगा तो पीक सीजन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सो इट्स बेटर आप कोई कॉम्बो पैक ले ले और कोलेजियम के साथ इसको कंबाइन करके हमारी तरह साथ में टिकट ले ले तो आपको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा. वी विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. म्यूजियम की सबसे अमेजिंग चीज़ों में से एक है ये डबल हेलिक्स स्टेयरकेस, जिसे एक साथ एक कॉर्नर से चढ़ सकते हैं और एक कॉर्नर से उतर भी सकते हैं. तो हमने एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग दो बार ऊपर से नीचे हुए थे और इट्स लाइक अ लेबरनिथ, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा आप ऊपर चढ़ रहे हो कि नीचे उतर रहे हो. सो इट्स एन अमेजिंग आर्किटेक्चरल मार्वल. म्यूजियम से होते हुए हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चर्च, जो है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि करीब करीब 137 मीटर ऊंचा है. और इसको आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज जैसे कि एंजल्स एंड डीमंस, दाविंची कोड वगैरह में देखा होगा. एंड ये वही जगह है जहाँ पे पोप का इलेक्शन होता है एंड पोप जनरली कोई स्पेसिफिक डेट्स पे जनरल पब्लिक को ग्रीट करने के लिए भी आते हैं. And it is one of the holiest place for Christians. And it's so mesmerizing. आप जब वहाँ पे अंदर एंट्री करते हो उसके लिए भी लाइन लगती है, लेकिन एंट्री इज़ फ्री. बट वी रिकमेंड आप ऑफ सीजन जाए या फिर जल्दी जाए ताकि आपको एंट्री करने में आसानी हो. तो पूरा जो चर्च है वो अमेजिंग स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, पता नहीं हज़ारों अमेजिंग चीज़ों से भरा हुआ है. और इतना बड़ा है कि आपके पास अगर 360 डिग्री कैमरा है तो आप पूरे चर्च का जो व्यू कैप्चर कर पाएंगे वो अमेजिंग होगा. हमने कुछ फोटोज़ लेने की कोशिश की है, आई होप यू गाइज लाइक इट.
वेटिकन से निकल के अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप पे जो है रोमन सिटी। एंड रोमन सिटी में पहला डेस्टिनेशन है द वर्ल्ड फेमस कोलोजियम। कोलोजियम के आसपास ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो आप प्री बुक करके ही जाइए और बहुत लंबी लाइन लगती है। एंड इफ़ आपने प्री बुक किया हुआ है तो आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड कोलोजियम काफ़ी बड़ा है और इफ़ इट्स समर यहाँ पे धूप भी बहुत होती है, तो आप पानी एंड कैप वगैरह अपने साथ लेके जाना, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी। कोलोजियम बेसिकली वो जगह है जहाँ ग्लैडिएटर्स फाइट हुआ करती थी, जो आपने ग्लैडिएटर मूवी और बहुत सी सीरीज में भी देखा होगा। कोलोजियम के आसपास आपको रोमन रुइंस, जो ओल्ड रोमन सिटी थी उसके रुइंस, पैलेंटाइन हिल, वीनस टेंपल जैसी बहुत सी दूसरी जगहें भी देखने को मिलेगी, जो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है। तो वो भी जो टिकट है वो कोलोजियम की टिकट के साथ कम्बो टिकट भी अवेलेबल रहती है। एंड टिकट में एक स्किप द लाइन करके भी टिकट आती है, एंड नॉर्मल टिकट्स भी आती है, बहुत सारी तरह तरह की टिकट है। सो बी केयरफुल एंड अवॉइड स्कैम्स वाइल बुकिंग द टिकट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। कोलोजियम आपको अभी खंडर जैसा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेचूज और जो मार्बल वगैरह थे वो सिटी के रिकन्स्ट्रक्शन और डेकोरेशन में रीयूज किए गए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कोलोजियम मल्टी लेवल बिल्डिंग थी और अलग अलग लेवल पे अलग अलग सोशल स्टेटा के लोग बैठते थे। एक लेवल पे सिर्फ रॉयल लोग और राजा वगैरह बैठते थे, एक लेवल पे जो वहाँ के गरीब लोग रहते थे वो बैठते थे, जैसे आजकल हमारे स्टेडियम्स में होता है पवेलियन की डिफरेंट तरह की टिकट होती है, वैसे ही सेम कंसेप्ट था यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे स्टेडियम के अंडरग्राउंड भी चेम्बर्स होते थे जहाँ पे फाइटर्स और जंगली जानवर जैसे लायन बेयर्स वगैरह होते थे, जिनको फाइट में एक्साइटमेंट जगाने के लिए अलग अलग टाइम पे मैकेनिकल रूट्स और रैंप के जरिए इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो ये सब हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो आप गाइडेड टूर भी ले सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे लिखे हुए डिस्क्रिप्शंस भी आप पढ़ सकते हैं। रोम में देखने के लिए काफ़ी सारी हिस्टोरिकल जगहें हैं, बिकॉज रोमन एम्पायर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। सो तरह तरह की मॉन्यूमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। वन ऑफ द फेमस प्लेसेस आर स्पेनिश स्टेप्स, जो इंटरेस्टिंगली रोम में है बट उसे फिर भी स्पेनिश स्टेप्स बोलते हैं क्योंकि उनकी एम्बेसी पास ही में है, बट हिस्टोरिकली उसको बनाया फ्रेंच ने था। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेस एंड वेरी फोटोजेनिक प्लेस एज वेल। एक और इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन एंड वर्ल्ड फेमस फाउंटेन है ट्रेवी फाउंटेन, जो एक विशिंग वेल है जहाँ पे बोला जाता है कि आप अगर 1 यूरो का सिक्का डालेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से रोम आ पाएंगे। तो एवरी डे 3000 यूरो से ज़्यादा के सिक्के इसमें डाले जाते हैं। एंड यहाँ पे फोटो खिंचवाना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि टूरिस्ट की भीड़ लगी होती है। हमने भी कॉइन डाला एंड वी होप वी कैन विजिट देयर अगेन। रोम में इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे कासल्स, स्टैचूज, मॉन्यूमेंट, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। एक पैंथियन भी है जो आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट डोम है, जो विदाउट पिलर बनाया हुआ है। हम वहाँ नहीं जा पाए थे लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। रोम के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें भी है, जैसे कि यहाँ की छोटी छोटी गाड़ियाँ जो एक तरह की माइक्रो कार्स है, 2 सीटर्स होती है, इलेक्ट्रिक होती है, जो बहुत ही क्यूट दिखती है एंड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मॉल स्ट्रीट्स इन रोम, जो यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं उसके लिए ये गाड़ियाँ परफेक्ट है। सो आपको ये गाड़ियाँ हर जगह दिखाई देगी। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट रोम। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है और यहाँ की बसेस आपको इंडिया की याद ज़रूर दिलाएगी।
के एयरपोर्ट पे भी छोटा म्यूजियम्स और आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं जो मोस्टली कोलोजियम से लाए हुए हैं, सो आपको एयरपोर्ट से ही हिस्ट्री की फील आ जाएगी। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।